दोस्तों यदि आप एक नए स्मार्टफोन लेने की सोच और साथ ही में उस स्मार्टफोन में आपको 5G सपोर्ट देखने को मिल जाए और वो भी अंडर 20,000 रुपीस में, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम जानेंगे बेस्ट 5G फोन अंडर 20,000। इसके साथ यदि आप हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूं। दोस्तों साल 2020 में हमें काफी सारे 5G स्मार्टफोन्स देखने को मिली थी और वह सारी स्मार्टफोन काफी महंगी निकल कर आती थी। और दोस्तों 2021 में हमें काफी सारे 5G डिवाइसेस देखने को मिलने वाली है, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलते रहेंगे। जब बात हो एक बेस्ट 5G फोन अंडर 20,000 लेना, तो ऐसे में हमें कुछ बातों को ध्यान रखते हुए एक बेस्ट 5G डिवाइस अंडर 20,000 खरीदनी चाहिए। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको मिनिमम 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाए। नेक्स्ट रैम की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको मिनिमम 6GB की रैम देखने को मिल जाए, जिससे आपको एक अच्छी मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगी उस स्मार्टफोन में। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम की तरफ से आने वाली स्नैपड्रैगन 750G 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाए। नेक्स्ट उस स्मार्टफोन में आपको एक अच्छी कैमरा सेटअप देखने को मिल जाए और मिनिमम 48 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप तो होना चाहिए। और लास्टली उस स्मार्टफोन में एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आपके इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के लिस्ट में मैंने कुछ ऐसे स्मार्टफोन पिक किए जो कि सारे के सारे एक अच्छी ऑप्शन निकल कर आते हैं इस प्राइस पॉइंट को कंसीडर करते हुए। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे आपके नीड्स और आपके रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आपको कौन सी स्मार्टफोन लेनी चाहिए, और साथ ही में नीचे कमेंट करके हमें बताएंगे आपको कौन सी स्मार्टफोन ज्यादा अच्छी लगी। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज के लिस्ट की सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में। और आज के लिस्ट की सबसे पहले स्मार्टफोन निकल कर आती है मोटोरोला की तरफ से, मोटो जी 5G स्मार्टफोन। और इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात है कि इसके डिस्प्ले में हमें HDR10 सपोर्ट देखने को मिल जाती है, जिससे आपको एक अच्छी कलर एक्यूरेसी देखने को मिल जाएगी स्मार्टफोन के डिस्प्ले में। और ये काफी एक अच्छी बात निकल कर आती है यदि आप अपने स्मार्टफोन में ज्यादा मूवीज या फिर कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो। नेक्स्ट प्रोसेसर की बात करें तो यह स्मार्टफोन क्वालकॉम की तरफ से आने वाले स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर के साथ आती है और यह एक 5G प्रोसेसर निकल कर आती है, यानी कि स्मार्टफोन में आपको काफी ज्यादा एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। रैम और स्टोरेज की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 6GB की रैम और साथ ही में 128GB की बड़ी इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लेने की जरूरत पड़ेगी। आप क्या कहते हैं नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। और अब बात करें कैमरे सेटअप की, तो इस स्मार्टफोन में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है पीछे की तरफ, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस हमें देखने को मिलती है। और वहीं पे कैमरा फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन के कैमरा फीचर्स में हमें रॉ मोड, HDR मोड और साथ ही में हमें नाइट मोड देखने को मिल जाती है, जिससे आप लो लाइट में एक अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों इस कैमरा फीचर्स के सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आपको स्पॉट कलर फीचर्स भी देखने को मिल जाती है। और यह बेसिकली क्या करती है कि सब्जेक्ट्स को कलरफुल रख के बैकग्राउंड को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देती है। काफी ज्यादा एक कूल और एक इंटरेस्टिंग फीचर लगी स्मार्टफोन के कैमरे सेटअप के बारे में। वीडियो फीचर्स की बात करते हैं, स्मार्टफोन के रियर कैमरे से 4K में अप टू 60fps तक वीडियो शूट कर पाएंगे और वहीं पे फुल HD में भी आप 60fps तक वीडियो शूट कर पाएंगे। तो ये काफी ज्यादा एक अच्छी बात निकल कर आ जाती है कि आपको अप टू 60fps तक का शूट करने का सपोर्ट देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन के कैमरे फीचर्स में। तो ऐसे दोस्तों आप अपनी मन की बात जरूर बताएं कि आप वीडियो शूट करते समय 30fps में शूट करते हैं या फिर 60fps में, जरूर नीचे कमेंट करके बताएं। इसके अलावा इसमें हमें हाइपरलैप्स वीडियो और साथ ही में टाइमलेस वीडियो सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। और इस स्मार्टफोन के वीडियो फीचर्स की सबसे कूल और एक इंटरेस्टिंग बात लगी, इसमें आपको स्पॉट कलरफुल वीडियो मोड भी देखने को मिल जाती है, यानी कि आप वीडियो शूट करते समय सब्जेक्ट्स को कलरफुल रख के बैकग्राउंड को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये काफी ज्यादा कूल और एक क्रिएटिव फीचर्स लगती है स्मार्टफोन के वीडियो फीचर्स और साथ ही में कैमरा फीचर्स के बारे में भी। तो दोस्तों यदि आप वीडियो शूट करना पसंद करते तो ये स्मार्टफोन एक अच्छी डील निकल कर आ सकती है आपके लिए। सेल्फी कैमरे की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है। और सेल्फी कैमरे के फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें फ्रंट सेल्फी कैमरे में नाइट विजन मोड और साथ ही में पोर्ट्रेट मोड हमें देखने को मिल जाती है। और अब बात करें फ्रंट सेल्फी कैमरे के वीडियो फीचर्स के बारे में, तो फ्रंट सेल्फी कैमरे से फुल HD में अप टू 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि फ्रंट सेल्फी कैमरे में आपको टाइमलैप्स वीडियो सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आप फ्रंट सेल्फी कैमरे से स्लो मोशन वीडियो अप टू 120fps तक शूट कर पाएंगे। दोस्तों क्या आप फ्रंट सेल्फी कैमरे से स्लो मोशन वीडियो लेना पसंद करते हैं, जरूर नीचे कमेंट करके बताएं। वहीं पे बैटरी की बात करें तो यह स्मार्टफोन 5000mAh की एक बड़ी बैटरी के साथ आती है और साथ ही में 20W का टर्बो पावर चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स हमें देखने को मिल जाती है, जिससे आप क्विक चार्ज कर सकते हैं स्मार्टफोन की बैटरी को। तो आइए दोस्तों आप जान लेते हैं ये स्मार्टफोन आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप बेस्ट 5G फोन अंडर 20,000 ढूंढ रहे थे तो ये मोटोरोला की तरफ से आने वाली मोटो जी 5G स्मार्टफोन एक अच्छी ऑप्शन निकल कर आती है। यदि आप एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाली स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो ये मोटोरोला की तरफ से आने वाली मोटो जी 5G आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। सबसे पहले बात, इस स्मार्टफोन में आपको 6GB
की एक बड़ी रैम देखने को मिल जाती है, यानी कि आपको एक अच्छी मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाती है और साथ ही में परफॉर्मेंस वाइज भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी स्मार्टफोन में। तो ये एक और अच्छी बात लगती है कि इस प्राइस में आपको 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन में। इसके साथ ही स्मार्टफोन में आपको एक अच्छी कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको काफी कुछ कूल फीचर्स देखने को मिल जाती है और वीडियो फीचर्स में भी हमें काफी कुछ कूल फीचर्स देखने को मिल जाती है। और लास्टली स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, यानी कि आपको पूरे दिन की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है एक्सट्रीम यूसेज में। तो ये एक और अच्छी बात लगती है स्मार्टफोन की। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन में उन सारे यूजर्स को रिकमेंड करना पसंद है जिन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस और साथ में एक बेस्ट बैटरी स्मार्टफोन चाहिए। तो ये मोटोरोला की तरफ से आने वाली मोटो G5G स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। और सबसे अच्छी बात है कि स्मार्टफोन में आपको स्टॉक एंड्रॉइड यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाती है, यानी कि आपको किसी भी तरह के एड्स नहीं देखने को मिलते। तो ये एक और अच्छी बात निकल कर आती है स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में। और इस स्मार्टफोन की लेटेस्ट प्राइस की जानकारी के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर चेक करें। और अब आइए दोस्तों, जानते हैं आज की लिस्ट की अगली स्मार्टफोन के बारे में। और आज के लिस्ट की अगली स्मार्टफोन निकल कर आती है Xiaomi की तरफ से MI 10i 5G स्मार्टफोन। और इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करें तो यह स्मार्टफोन 6.67 इंच की फुल HD प्लस डॉट डिस्प्ले के साथ आती है। और सबसे अच्छी बात है कि स्मार्टफोन के डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली एडाप्टिव सिंक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और यह एडाप्टिव सिंक डिस्प्ले बेसिकली 30fps से लेकर 120fps तक एडजस्ट करते रहती है कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करें अपने स्मार्टफोन में। यदि आप अपने स्मार्टफोन में वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे में आपको 30Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। और साथ ही में यदि आप गेमिंग करना पसंद करते हैं तो वहां पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, यानी कि आपको एक स्मूथ गेम प्ले देखने को मिल जाएगी। प्रोसेसर की बात करें तो यह स्मार्टफोन Qualcomm की तरफ से आने वाली Snapdragon 750G के साथ आती है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 6GB रैम देखने को मिल जाती है और साथ ही में 64GB की इंटरनल स्टोरेज। और इस स्मार्टफोन में हमें एक छोटी स्टोरेज देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है। और स्मार्टफोन की सबसे बड़ी हाइलाइटिंग फीचर है स्मार्टफोन का कैमरा, जिसमें हमें 108MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2MP का मैक्रो लेंस और 2MP का डेप्थ सेंसर लेंस हमें देखने को मिल जाती है। और कैमरे फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें नाइट मोड 2.0 देखने को मिल जाती है, जिससे आप लो लाइट में एक अच्छी फोटो क्लिक कर पाएंगे। रॉ मोड और साथ ही में प्रो मोड भी हमें देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि स्मार्टफोन में आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेते समय बैकग्राउंड ब्लर को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। तो ये एक और कूल फीचर्स लगती है स्मार्टफोन के कैमरे फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट हम वीडियो की बात करते हैं। स्मार्टफोन के रियर कैमरे से 4K में अप टू 30fps तक वीडियो शूट कर पाएंगे और साथ ही में फुल HD में अप टू 60fps तक। वहीं पे स्लो मोशन वीडियो की बात करते हैं, स्मार्टफोन के रियर कैमरे से अप टू 960fps तक स्लो मोशन वीडियो शूट कर पाएंगे। और ये काफी ज्यादा कूल फीचर लगी कि इसमें आपको 960fps तक स्लो मोशन वीडियो सपोर्ट देखने को मिल जा रही है। इसके अलावा भी स्मार्टफोन में आपको वीडियो फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि वीडियो शूट करते समय काफी तरह के फिल्टर यूज कर एक वीडियो शूट कर पाएंगे। और उससे भी अच्छी बात यह कि यदि आप व्लॉगिंग करना पसंद करते हैं तो इसमें आपको डुअल वीडियो मोड देखने को मिल जाती है, यानी कि आप एक साथ फ्रंट और रियर कैमरे दोनों को यूज कर वीडियो शूट कर पाएंगे। इसके साथ ही यदि आपने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बात की बेस्ट फोन फॉर व्लॉगिंग, तो इसे भी आप जरूर चेक करें। और अब बात करें सेल्फी कैमरे की, तो इस स्मार्टफोन में 16MP का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलती है। और सेल्फी कैमरे के फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे के फीचर्स में हमें AI पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड 1.0 और साथ ही में पैनोरामा सेल्फी मोड हमें देखने को मिल जाती है। और वहीं पे वीडियो फीचर्स की बात करें तो फ्रंट सेल्फी कैमरे से फुल HD में अप टू 30fps तक वीडियो शूट कर पाएंगे और साथ ही में स्लो मोशन वीडियो सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है फ्रंट सेल्फी कैमरे में। और उससे भी अच्छी बात है कि स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरे आपको टाइमलेस वीडियो भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अब बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 4820mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात है कि स्मार्टफोन के साथ ही में 33W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलती है। और कंपनी दावा करती है कि स्मार्टफोन के चार्जर के जरिए आप 0 to 100% से 58 मिनट में फुल्ली कर सकते हैं चार्ज स्मार्टफोन की बैटरी को, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। और आइए दोस्तों, आप जान लेते हैं स्मार्टफोन आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप बेस्ट 5G फोन अंडर 20,000 ढूंढ रहे थे जिसमें आपको एक अच्छी कैमरा सेटअप देखने को मिल जाए, तो ये Xiaomi की तरफ से आने वाली MI 10i 5G स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। क्योंकि स्मार्टफोन में आपको 108MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी फोटोज क्लिक करती है। इसके साथ ही यदि आप व्लॉगिंग करना पसंद करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। क्योंकि इस वीडियो में आपको डुअल वीडियो मोड देखने को मिल जाती है, जिससे आप फ्रंट और रियर कैमरे दोनों को यूज कर एक साथ वीडियो शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन में उन सारे यूजर्स को रिकमेंड करना पसंद है जिन्हें बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 20,000 चाहिए और साथ ही में 5G सपोर्ट भी देखने को मिल जाए स्मार्टफोन में। तो ये स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। और इस स्मार्टफोन की लेटेस्ट प्राइस की जानकारी के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर चेक करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। यदि आपकी
कोई राय विचार या सुझाव है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़ जाएं।